हमेशा ही सुर्खियों में बने रहने वाला मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चाओं में बने रहने का कारण है सांसद रवि किशन और विधायक राधामोहन दास अग्रवाल। असल में गोरखपुर में एक सड़क निर्माण को लेकर सांसद और विधायक एक दूसरे के फैसले के खिलाफ हो गए हैं। मामला गोरखपुर से देवरिया मार्ग पर उत्तरी और बसी कॉलोनियों में जलभराव का है। विधायक राधामोहन दास अग्रवाल ने इस जलभराव के लिए सहायक अभियंता के सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए डिप्टी सीएम और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उन्हें तत्काल हटाने की मांग की थी। शनिवार को विधानसभा में भी उन्होंने जलभराव पर सवाल भी उठाया था। विधायक राधामोहन दास अग्रवाल ने इस संबंध में डिप्टी सीएम से मुलाकात की तो उन्होंने सहायक अभियंता को लखनऊ से अटैच करने के आदेश दिए। विधायक ने डिप्टी सीएम के साथ अपनी फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी। अभी आगे की कार्रवाई चल ही रही थी कि बीच में आ गए सांसद रवि किशन और दिल्ली स्थित अपने आवास से ही डिप्टी सीएम को रवि किशन ने पत्र लिख डाला, जिसमें लिखा गया कि सहायक अभियंता के सिंह महंती कर्मठ और दक्ष अभियंता हैं। ऐसे में उन्हें हटाए जाने से फोरलेन का कार्य प्रभावित हो जाएगा। विधायक की ओर से उठाए गए लोगों की समस्या का जवाब देते हुए सांसद ने यह भी लिखा कि देवरिया रोड को ऊंचा कर दिए जाने से वहां जलजमाव नहीं हो रहा है, जिससे आवागमन सुलभ हो गया है। उत्तर की ओर बसी कॉलोनियों में जलजमाव की समस्या के लिए नाले का निर्माण हो रहा है। अब विधायक और सांसद के पत्र को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य परेशान है कि आखिर बात माने तो माने किसकी। वहीं इस मुद्दे पर विधायक राधामोहन ने कहा कि देवरिया रोड को ऊंचा किया जाना उत्तर की ओर बसी कॉलोनियों में जलजमाव की वजह है, इसके दोषी सहायक अभियंता हैं। विधायक ने कहा इसी कारण डिप्टी सीएम ने उन्हें लखनऊ अटैच करने का निर्देश दिया है। जहां तक रही सांसद रवि किशन की ओर से उन्हें रोके जाने की दलील की बात, तो वह हमारे आदरणीय हैं। वहीं रवि किशन के मुताबिक सहायक अभियंता के सिंह को फोरलेन निर्माण प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी है। उनके हटने से कार्य तीव्रता पर प्रभाव पड़ेगा और वो नहीं चाहते कि विकास कार्यों की गति थमे। किसी भी कार्रवाई से पहले मामले की जांच पूरी होनी चाहिए। रही बात नगर विधायक की, तो मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। खैर, इस पूरे मामले पर हाईकमान ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से यह जंग सांसद बनाम विधायक की हो रखी है, तो अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है।